आप में कितनी शक्ति है और कितना बल है ये हम आपको दिखाएंगे आज इस खबर के जरिए। हालांकि खबर मैनपुरी की नहीं है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप भी आस्था और श्रद्धा में विश्वास रखने लगेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गंगा नदी की तस्वीरें हैं और ये लोग यहाँ खड़े हैं ये भी आश्चर्यचकित हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस युवक के हाथ में जो पत्थर आप देख रहे हैं वह पत्थर बेहद भारी और वजनदार पत्थर है, लेकिन यह पत्थर पानी में तैर जाता है। आप भी देखिए इन तस्वीरों में इस युवक ने यह पत्थर फेंका और पत्थर कैसे पानी में तैरने लगा, इसकी क्या प्रमुख वजह है। यह एक पत्थर इतना वजनदार होने के बावजूद भी पानी में थर्माकोल की तरह तैर रहा है, आइए जानते हैं इन लोगों से। तो सुना आपने इस पत्थर पर सिर्फ भगवान राम का नाम लिखा है और इसी वजह से ये पत्थर गंगा नदी में एक थर्माकोल की तरह तैर रहा है। इस पत्थर को देखने के बाद लोगों में आस्था जागृत हो रही है और यहाँ के लोग इस पूरे नजारे को एक चमत्कार मान रहे हैं। इस राम नामी पत्थर जो गंगा में तैरा है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? जी सर, इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई हम आपको दिखाते हैं। सर 8 इंच इसकी चौड़ाई है। 10 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई और ऊंचाई? 6 इंच इसकी ऊंचाई है। 6 इंच ऊंचाई, मतलब 10 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई और 6 इंच ऊंचाई का ये पत्थर है जिसका वजन 4 किलो 650 ग्राम है। 700 यहाँ गंगा में मल्ला बस्ती के बाल युवकों को एक ऐसा पत्थर मिला है जो गंगा में डालने के बाद भी तैर रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है और प्रशासन इस पत्थर के बारे में क्या कार्रवाई करेगा? अभी वो पत्थर मैंने देखा है, अब ये देखना है कि किस प्रकार का पत्थर है और क्यों तैर रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी और जो सत्यता सामने आएगी। ठीक है।